कुशेश्वर स्थान थाने में दूसरी बार घुसा बाढ़ का पानी। जिले के कुशेश्वर स्थान थाना परिसर में जुलाई महीने में बाढ़ का पानी घुसा था। अभी यह पानी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि दोबारा बाढ़ का पानी थाना भवन में प्रवेश कर गया है। थाना भवन में 3 फीट तक पानी जमा है। बाढ़ के पानी की वजह से थाने में तैनात पुलिस कर्मियों को काफी परेशानी हो रही है। महत्वपूर्ण कागजात और फाइलें बचाकर रखना मुश्किल हो गया है। वहां तैनात पुलिसकर्मी सांप बिच्छू जैसे जहरीले कीड़ों के डर के साए में काम कर रहे हैं। गिरफ्तार कर लाए गए बंदियों को हाजत में काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। कुशेश्वर स्थान थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी रामप्रसाद पासवान ने बताया कि इसके पहले जुलाई महीने में बाढ़ का पानी थाना परिसर और भवन में घुसा था। अब फिर बारिश हो गई है, नदी के भरने से बाढ़ का पानी फिर से थाना भवन में घुस गया है। उन्होंने कहा कि करीब 3 फीट तक पानी थाना भवन में घुस चुका है। कमरा में सभी डूबा हुआ है, 2 कोठली बचा हुआ है, थोड़ा बचा हुआ है उसी में चल रहा है। बाकी बात जो है सारे में पानी है फैला हुआ पूरा कंपनी। कौन कौन जगह? ऑफिस है, रिश्ता है, कंप्यूटर का है, सब जो है सो वो ऊपर लाया गया है, नहीं तो सब में पानी भरा हुआ है। कैसे काम कर पाते हैं, जाते हैं पानी में? पानी में वो आप वहाँ से लेकर के ऊपर लेकर के अपना काम थाना का हो रहा है सर। कितना दिन से लगा हुआ? ये बरसात हुआ है, दोबारा पानी आया है। ऐसे ही पहले भी था और फिर अभी भी बढ़ ही रहा है पानी। समस्या होती है? हाँ, समस्या ऐसा है, जाने आने में सारे आदमी को फीवर का शिकायत होने लगा है। तो कैदी इसमें कैसे रह पाते हैं? कैदी के लिए थोड़ा ऊंचा है, उसी में पानी में जाना आना, उसको देखना उखना हर चीज करते हैं। काम कैसे होता है थाने का? थाना का यही कुर्सी लगा बरंडा पर या देते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, इसी के अंदर सब कुछ होता है। तो डर भी लगता है? हाँ डर सर, सांप कीड़ा का जो है पूरा डर है। मच्छर तो है ही है, सांप कीड़ा हर हमेशा जो है, तो लाइट थोड़ा जब कट जाता है तो पूरा एकदम समस्या उत्पन्न हो जाता है कि किधर से क्या जानवर आ, क्या आया नहीं आया, ऐसा माहौल बन जाता है। पानी कितना लगा हुआ है? पानी भर जंग है, 2 फीट 3 फीट रखिए। 3 फीट तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।